Honorable Minister Prakash Javadekar ji, bail for consideration and passing. Honorable Adhyaksha ji, I rise to move that the bill further to amend the right of children to free and compulsory education act 2009 be taken into consideration. You can speak on bill. You have to, yeah. ये बिल बहुत महत्वपूर्ण है और मुझे खुशी है कि सभी राज्यों ने एक राय से इस बिल की सिफारिश की है. ये बिल ये है कि 2009 में जब राइट टू एजुकेशन एक्ट किया गया उस समय ये सोचा गया कि परीक्षा का भय छात्रों के मन पर ना रहे. इसके लिए किसी भी छात्र अगर फेल भी करता है तो उसको डिटेन नहीं करेंगे, यानी उसको क्या आता है क्या आता नहीं उसको न देखते हुए उसको अगले क्लास में ले जाएंगे. और इसलिए पहली से आठवीं तक एक तरह से नो डिटेंशन पॉलिसी आ गई और लगभग परीक्षा का महत्व ही खत्म हो गया, क्योंकि किसी को डिटेन होने की संभावना ही नहीं बची. और इसका परिणाम दो हुए, एक जवाबदेही खत्म हुई. ना स्कूल की जिम्मेवारी, ना टीचर की जिम्मेवारी, ना पेरेंट्स की जिम्मेवारी, ना स्टूडेंट की जिम्मेवारी. अनेक सरकारी स्कूल तो मैंने देखे जो मिड डे मील स्कूल बन गए, आना खाना जाना. तो इसलिए शिक्षा नहीं हो रही थी और ये बड़ी कैजुअलिटी है. और इसलिए सर्वे आफ्टर सर्वे, नेशनल असेसमेंट सर्वे हो या बाकी भी सर्वे होते हैं, उसमें यह आता था कि आठवीं के छात्र को पांचवी का गणित नहीं आता, सातवीं का छात्र चौथी का पाठ नहीं पढ़ सकता. ये जो स्थिति आई ये शिक्षा का बहुत खतरा पैदा हो गया. और इसलिए अनेक राज्यों ने मांग की, 22 राज्यों ने लिखित मांग की 2013 में ही कि यह बदलना चाहिए और डिटेंशन का वापस लाना चाहिए. और इसलिए ये डिटेंशन का बिल वापस लाने के लिए ये बिल रखा है, प्रोविजन वापस लाने के लिए. और इसमें दो बातें महत्वपूर्ण है. पहले तो ये कि किसी भी छात्र को रोकने के लिए ये बिल नहीं है, लेकिन अध्ययन करे जो लर्निंग आउटकम्स है, जिसका उल्लेख 2009 के बिल में किया था लेकिन आज तक नहीं हुए थे. पिछले साल मोदी जी ने चूंकि गुजरात में लर्निंग आउटकम्स पर काम किया था तो उनका आग्रह था, और इसलिए लर्निंग आउटकम्स हमने तैयार किए. और लर्निंग आउटकम्स के आधार पर आज शिक्षा में हर वर्ष में हर कक्षा में हर विषय का क्या ज्ञान मिलना चाहिए, आना चाहिए छात्र को, ये निश्चित हो गया, लिपिबद्ध हो गया. टीचर्स का भी ट्रेनिंग हो गया, लेकिन फिर भी परीक्षा का महत्व है. और इसलिए हमने ये निर्णय किया कि पांचवी और आठवीं में परीक्षा होगी. पहली परीक्षा मार्च में होगी. जो स्टूडेंट फेल करेंगे उनको मई में पुनः अवसर मिलेगा, दो महीने का अध्ययन करके वो पुनः बैठ सकते. वो अगर उसी में भी फेल होते हैं तो उस क्लास में रोकने की सुविधा है. लेकिन ये निर्णय हमने यहां से थोपा नहीं. एक कमिटी नियुक्त हुई थी, उसने ये सिफारिश की थी 2013 में. फिर हमने केप की मीटिंग की, फिर एक कमिटी नियुक्त की, उन्होंने सिफारिश की. और तब तक 25 राज्यों ने ये कहा कि हमें परीक्षा लेकर डिटेंशन का अधिकार दो. लेकिन तीन चार राज्य ऐसे हैं, तमिलनाडु केरल और चंद राज्य महाराष्ट्र या ऐसे राज्य थे कि जिनको अभी जो तरीका है वही ठीक लगता है परीक्षा लेने का नहीं. तो इसलिए हमने सॉल्यूशन ये निकाला कि नाउ द डिसीजन विल बी टेकन बाय द स्टेट गवर्नमेंट्स. सो स्टेट गवर्नमेंट्स आर एम्पावर्ड टू टेक डिसीजन वेदर टू डिटेन और नॉट टू डिटेन, वेदर टू अडॉप्ट दिस मेथड और द अर्लियर मेथड. ये राज्यों को अधिकार दिया है. तो इसलिए सभी राज्यों ने यूनैनिमसली ये पास किया. फिर ये स्टैंडिंग कमिटी में गया. स्टैंडिंग कमिटी ने भी बहुत चर्चा के बाद इसको हाँ कहा और उसको पुरस्कृत किया. तो इसलिए इस पृष्ठभूमि में ये एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, क्योंकि आज शिक्षा की और खासकर सरकारी स्कूलों में शिक्षा की क्वालिटी अगर सुधारनी है तो सबको शिक्षा, अच्छी शिक्षा, इसके लिए ये कदम बेहतर जरूरी है. इसके लिए ये बिल रखा है. चर्चा का स्वागत है और सबके सुझावों को हम लिखित भी लेंगे और काम